बेटा तुम्हारा नाम क्या है? मोहम्मद अरका। कहाँ रहते हो बेटा? स्कूल के घर। अच्छा, ये जोड़ा पाव जो बेच रहे हैं ये कब से बेच रहे हैं? डेढ़ साल हो गए। डेढ़ साल। ये कौन बनाता है? अम्मी बनाते हैं। अच्छा, अम्मी घर में ही बनाते हैं। अच्छा, रोज मतलब कितना बेच लेते हो? अच्छा, 400-500 का मतलब तुम बेच लेते हो? 400-500 का मतलब डेली बिक जाता है। अच्छा, पढ़ाई वगैरह तुम्हारी कैसी चल रही है? पढ़ाई भी कर रहे हो? अच्छा, डीएमसी पढ़ रहे। कितनी क्लास में? एक क्लास। अच्छा, जब से मतलब लॉकडाउन वगैरह लगा हुआ है, महामारी चल रही, जब से स्कूलें बंद है, तो जब से यही कर रहे हो? जून में खुलने का ऐलान किए, बोले थे सर। हाँ हाँ, नहीं स्कूल तो चालू होगी होगी, लेकिन ये तुम्हारे कैसे मतलब ख्याल आया, मतलब ये कि तुम ये जो वड़ा पाव बेच रहे, जब सुबह कुछ दूसरा कुछ बेचते हो? जी, इडली सुबह इडली बेचते हो जी। अच्छा, शाम के टाइम वड़ा पाव बेचते हो जी। मतलब ये कैसा मतलब ख्याल में आया तुम्हारे? मजबूरी थी, हालात थे, इधर उधर फुलता तो हमारा गर्मी में रहता, सोचा कि ये कर लिया। तो ये तुमने अपनी मर्जी से किया या घर वालों ने कहा कि ये काम करो बेटा? घर वालों ने भी किया, अपनी मर्जी से भी किया। अच्छा, तुम्हारे घर में कौन कौन है बेटा? मम्मी है, एक भाई हाफिज है, एक बहन है। और अब्बा? अब्बा का इंतकाल है। इन्ना लिल्लाह। अच्छा, अब्बा नहीं है, मतलब इसीलिए घर चलाने के लिए तुम्हें कर रहे हो। जैसे तुम्हारी उम्र के जो बच्चे है, जो गलियों में खेलते रहते कूदते रहते हैं, उनके बारे में कुछ कहना चाहोगे? उनके बारे नहीं, मतलब ऐसा कहना चाहोगे जैसे कि तुम मेहनत कर रहे हो, वो गलियों में पूरा टाइम बर्बाद करते हैं, हुल्लड़ बाजी करते हैं, तो उनके लिए मतलब कहना चाहोगे कि भाई वो भी ऐसा कुछ करे? ये उनके लिए भी कहना चाहते हैं कि कुछ ऐसा भी करे, कामयाब हो आगे चलते। बहुत अच्छी बात है। मतलब तुम्हारी ऑनलाइन पढ़ाई भी चल रही होगी? अभी तो नहीं चल रही है। अच्छा, ऑनलाइन पढ़ाई नहीं चल रही है? पहले चालू किए थे। हाँ, अभी नहीं चल रही है। अच्छा, मतलब अभी सुबह जो है ये इडली बेचते हो और शाम को जो है ये वड़ा पाव बेचते हो ना जी? आप देखिए जो ये बच्चा है, क्या नाम है बेटा? मोहम्मद अरकम। देखिए बच्चा है, इसकी हिम्मत की दाद देनी चाहिए, कि ये घर चलाने के लिए जो है ये बच्चा मेहनत कर रहा है, मेहनत करता है सुबह शाम, और मैं अक्सर देखते रहता हूँ, इसलिए मैं सोचा ये बच्चे का जो है हिम्मत उठाई की जाए।